आगरा में गुरुवार दिन दहाड़े फिर सनसनी फैल गई। आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 1 में बाजार में बिल्डर को गोली मार दी गई। सरे बाजार गोली चलने से सनसनी फैल गई। हमलावर फरार हो गए। घायल बिल्डर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात गुरुवार शाम 4 बजे की है। सेक्टर 1 में बिल्डर राजीव गुप्ता किसी काम से गए थे। इसी बीच हमलावर वहां आए और सरे बाजार उन्हें गोली मार दी। इससे बाजार में हड़कंप मच गया। पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हमलावर फरार है, उनकी तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक हमलावरों का बिल्डर राजीव गुप्ता से कुछ विवाद चल रहा है। बातचीत के दौरान हमलावरों ने उन्हें 3 गोली मारी है, जिससे राजीव गुप्ता लहूलुहान होकर गिर पड़े। वहीं घटना की सूचना होने पर एसपी सिटी विकास कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं बोदला पुलिस चौकी का फोर्स मौके पर पहुँच गया है। आज जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में TRS मॉल में गोली चलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। उस पर पुलिस मौके पर पहुंची और राजीव गुप्ता नाम के व्यक्ति को अशोक तोमर नाम के व्यक्ति ने गोली चलाई थी और राजीव गुप्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज चल रहा है। अशोक तोमर को मौके से पुलिस ने मैं असलाह गिरफ्तार किया है। ऐसा आसपास के लोग बता रहे हैं कि दोनों पार्टनर हैं और दोनों के बीच में अपना कुछ विवाद है। ऐसा हो सकता है कि इसी कारण ये गोली कांड हुआ हो। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है और जो हथियार से चलाया गया है वो हथियार लाइसेंसी है कि गैर लाइसेंसी, इसकी भी जांच की जा रही है। पीड़ित परिवार की तरफ से तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा लिखकर उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।